ईडी दी रेड दे नाल जुड़ी हुई इस वेले दी सब तो अहम जानकारी सामने आ रही है, जो कहा जा रहा है कि बीते दिन तो जो ईडी दे वलों पंजाब भर के छापेमारी की जा रही है, 12 थावां ते रेड की गई है। इस दौरान बीते दिन तक यह जानकारी सी कि 6 करोड़ की बरामदगी की गई है, लेकिन इस दे विच वड्डी अपडेट सामने आ रही है। रकम 10 करोड़ दसी जा रही है, जिथे कहा जा रहा है कि जो सीएम चन्नी दे रिश्तेदार भुपिंदर सिंह हनी ने अजिहा सूत्रां दे हवाले तो जो जानकारी है कि उन्होंने कोलों 8 करोड़ की बरामदगी की गई है, जबकि उन्होंने साथी दे कोलों 2 करोड़ बरामद किए गए ने। तो वड्डी अपडेट सामने आ रही है, साडे नाल फोन लाइन से विनीत जुड़े हुए ने। विनीत, होर की कुछ अपडेट जिहड़ी इस मामले नूं लैके सामने आ रही है? बिल्कुल हरमन, देखो कल सवेरे 8 बजे तो ईडी की रेड जी है वो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे उसके जो सहयोगी है उन्होंने घर के उपर लगातार जारी है। सवेरे 8 बजे ईडी की टीम जड़िया ने उन्होंने गुप्त तरीके रेड की थी और कल शाम तक जी रेड के बरामदगी हुई थी। 4 करोड़ का कैश जरा लुधियाने कोठी तो बरामद होया थी। हनी की जी लुधियाने के कोठी थी उतो 4 करोड़ रुपया संदीप नाम का मुंडा थी, उसके को 2 करोड़ रुपया प्राप्त होया थी। और अज आ जी बरामदगी की राशि है वध के तकरीबन 10 करोड़ हो गई है, जिसके जी जानकारी मिल पा रही है कि 8 करोड़ रुपया जोड़ा वो हनी तो बरामद होया और 2 करोड़ रुपया जोड़ा वो संदीप तो बरामद होया। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है कि क्या है ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है, लेकिन इन्नी वड्डी गिनती दे विच जिहड़ा है कैश बरामद होया इसनू लैके भुपिंदर की भूमिका जिहड़ी है वह सवालों के घेरे दे विच आ चुकी है। हालांकि अज भी रेड का सिलसिला जिहड़ा जारी है, कई थावां ते अज भी रेड हुई है और जिहड़े माइनिंग के कारोबार नाल जुड़े हुए ने उन्होंने घर के रेड की जा रही है। खास करके जिस ढंग के 2018 के एक FIR जिहड़ी राहू के दर्ज हुई थी उसके संदर्भ के जिहड़े जिहड़ी भी इनवॉल्वमेंट सी जिस दे नाम उस FIR दे विच शामिल थी उन सारयां दे उपर ईडी जिहड़ी है वो रेड करदी नजर आ रही है। ईडी ने उस मामले नूं टेक ओवर कर दिता है और हुण अगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन दा सिलसिला जिहड़ा वो जारी है जी। तो धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी दे लई, ते जो इस मामले दे विच वड्डी अपडेट कि कुल जो बरामदगी की गई है 10 करोड़ दे करीब की गई है। बीते दिन तो ही ईडी दे वलों रेड की जा रही है, नजायज़ माइनिंग दा जो आरोप लगे ने इन्हां मामलों दे विच ही रेड की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। बीते देर रात भी पठानकोट दे विच इक वड्डे कारोबारी दसे जांदे ने जिन्हां दे घर दे विच इह रेड होई सी। बीती देर रात भी कहा जांदा है कि ये शख्स भी कांग्रेस पार्टी दे नाल सीधे असीधे तौर पर संबंध रखते हैं, जिन्हां दे घर दे विच रेड की गई है। तो जो कारोबार है इन्हां दा जम्मू कश्मीर दे विच रेता दे कारोबारी भी ने, इसे नूं लैके जो वड्डे सवाल खड़े किए गए ने, उन्हां दे घर दे विच भी रेड की गई है। तो इस जो जिन्नियां थावां ते भी छापेमारी हो रही है, छानबीन हो रही है, तो उस दौरान ही जो थोड़ी देर पहला तक जानकारी सी कि 6 करोड़ की बरामदगी हुई है, लेकिन इस दे विच वड्डी अपडेट सामने आई है कि 10 करोड़ बरामद किए गए ने। कुछ लोगों नूं हिरासत दे विच भी लिया गया, तो खास तौर पर कांग्रेस पार्टी दे नाल जुड़े हुए जो लोग हिरासत दे विच ने उन्होंने कोलों पुछगिछ जारी है। जबकि इस मामले दे विच बीते दिन सीएम चन्नी कहिंदे हुए नज़र आए सन कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी नूं टारगेट किया जा रहा है, ठीक चोणों तो पहला सिर्फ उन्हां ते ही आखर निशाने क्यों साधे जा रहे हैं, सिर्फ जो उन्हां दे विरोधी ने उन्हां नूं ही लाहा देने की कोशिश की जा रही है, इस चीज़ का वो फायदा चुक रहे हैं। इस तो पहला ईडी किथे सी, लेकिन चोणां तो ठीक पहला अजिहियां कारवाइयां सीधे तौर पर इशारा करदियां ने कि सिर्फ उन्हां दी पार्टी नूं ही निशाना बनाया जा रहा, उन्हां दी पार्टी दे मंत्रियां नूं जां वर्करां नूं जां जो लोग सीधे या असिधे तौर पर उन्हां दी पार्टी दे नाल जुड़े हुए ने उन्हां नूं ही टारगेट किया जा रहा। तो अजिही बयानबाजी जिहड़ी सीएम चन्नी दे वल्लों भी बीती दिन तक जो सामने आई सी, लेकिन ईडी दी कारवाई अजे भी पंजाब दे विच जारी है। नजायज़ जो माइनिंग है उन्हां आरोपों तहत ही ये पूरी छानबीन चल रही है। अगे आने वाला समा ही दसेगा कि इस तो बाद हुण अगली वड्डी कार्रवाई किदे किदे पत्ते खोलदी है। होर खबरों के लिए भी बने रहो दैनिक सवेरा टीवी दे नाल।